वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाए। रक्तांबुजा सनम शेष गुणैक सिंधु भानु समस्त जगता मधिपम भजामि पद्मद्वया भयवरान दहतम कराब्जे माणिक्य मौलि मरुणांग रुचिम त्रिनेत्र। जय श्री सूर्यदेव। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के दिन भानु सप्तमी की कथा। जब भी कभी रविवार के दिन सप्तमी तिथि होती है तो उसे भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है। जो भी जातक इस दिन भगवान सूर्य देव का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान सूर्य देव की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 11,000 रश्मियों के साथ तपने वाले भगवान सूर्य रक्त वर्ण है। यह सूर्य नारायण के सातवें विग्रह है और ऐश्वर्य रूप से पूरी सृष्टि में निवास करते हैं। जो भी रविवार का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि रविवार के दिन इस दिन नमक ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और भगवान सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। भगवान सूर्य देव नवग्रहों के राजा हैं। पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में भानु सप्तमी के पर्व को सूर्य ग्रहण के समान प्रभावकारी बताया गया है। इसमें जप होम दान आदि करने पर उसका सूर्य ग्रहण की तरह अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। इनकी अर्चना से मनुष्य को सब रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। जो नित्य भक्ति और भाव से सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हैं वह कभी भी अंधा दरिद्र दुखी और शोकग्रस्त नहीं रहते हैं। भगवान सूर्य देव उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। रविवार के दिन चाहिए कि भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की लाल चंदन अक्षत लाल पुष्प धूप गंध आदि से विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात कपूर या गाय के घी वाले दीपक से भगवान की आरती करनी चाहिए। और जब भी भानु सप्तमी होती है यानी कि रविवार के दिन सप्तमी तिथि होती है उस दिन हो सके तो भोजन में नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव हर प्रकार विद्या को प्रदान कर सकते हैं। भगवान सूर्य देव से ही भगवान हनुमान ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो आइए सुनते हैं भानु सप्तमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में इंदुमती नामक एक वैश्या थी। एक बार उसने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे मुनिराज, मैंने आज तक कोई भी धार्मिक काम नहीं किया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मृत्यु के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, तो यह कैसे प्राप्त हो सकेगा? इंदुमती की इस बात को सुनकर वशिष्ठ जी ने जवाब दिया कि महिलाओं को मुक्ति सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी या भानु सप्तमी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है, तो यह इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन जो कोई भी स्त्री सच्चे मन से पूजा करती है और व्रत रखती है उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसलिए तुमको भी अगर मोक्ष की चाह है तो तुम्हें इस दिन व्रत करना चाहिए और विधि पूर्वक पूजन इत्यादि करनी चाहिए जिससे तुम्हारा कल्याण हो। वशिष्ठ जी की बात को सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में उन्हें अप्सराओं की नायिका बनाया गया। इसी मान्यताओं के आधार पर इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है और जब भी रविवार सप्तमी तिथि को होती है तो उस दिन भानु सप्तमी का व्रत किया जाता है और भगवान सूर्य देव का विशेष पूजन अर्चन से भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय।
तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।